हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेमी फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक दुपट्टा तैयार करेंगे जो हम लेस के साथ तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा लहंगे का दुपट्टा है और इसको तैयार करेंगे हम इस लेस के साथ। तो वो हम कैसे तैयार करेंगे तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास 2.5 मीटर दुपट्टा है, क्योंकि ये लहंगे का है तो इसलिए ये 2.5 मीटर लहंगा है और ये लेस ली हमने। तो ये हम इसके ऊपर लगाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके कॉर्नर हम कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसके किनारे हैं, एक साइड से तो हमारी किनारी आती है, दूसरे साइड से हमारा खुला पार्ट होता है, तो उसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए, हम इसको सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए, हमने किनारे को फोल्ड कर लिया है और अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो लेस हम आधा इंच को इसका छोड़ देंगे आगे की साइड, थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा, और किनारे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम जहाँ से हमने फोल्ड किया है, और किनारे से लगाना स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, थोड़ा स्टार्टिंग में पका कर देंगे इसको, और किनारे से लगाते हुए इस तरह से लगाते हुए जाएंगे। तो देखिए, हम इसके किनारे के पास आ गए हम, तो यहाँ तक हम इसका कॉर्नर तक लगा लेंगे सिलाई सबसे पहले, और उसके बाद हम इसका किनारा तैयार करेंगे। तो आप देखते जाइए, तो ये देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं, और अब इसके बाद हम इसका मेजरमेंट करेंगे हमारी लेस का। तो लेस है हमारी, ये देखिए 2 इंच से हमारा 1 पॉइंट कम है, ये देखिए। तो अब इसको हम वापसी इस तरह से फोल्ड करेंगे, सिलाई को हम इस तरह से हटा देंगे एक बार के लिए, और इसको इस तरह से इसके ऊपर मार्क करेंगे हम, इसका कॉर्नर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से किया, और यहाँ पर हम जो हमारा मेजरमेंट है 2 पॉइंट से 1 इंच कम, वहाँ पर हम इसका निशान लगा देंगे, और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। ये इस तरह से ये हमारा कॉर्नर तैयार हो जाएगा। और अब जो हमारे जो अंदर लेस है, इसको हम जो एक्स्ट्रा है इसको कॉर्नर को हम कट कर देंगे। ये देखिए, अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है, इसको कट करने बेटर रहता है। तो ये देखिए, अब ये यहाँ से इस तरह से ये हमारा कॉर्नर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, अब हम यहाँ से कॉर्नर से ही हम वापसी से सिलाई ले लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मोटा हो जाता है, थोड़ा सा उठा के इसको, और यहाँ से फिर से सीधा, और बाद में हम कॉर्नर आएंगे तब मैं दोबारा से दिखाऊंगी आपको एक बार फिर से कि हमने कॉर्नर किस तरह से तैयार किया है। तो देखिए, हम दूसरे कॉर्नर पे भी आ गए हैं, मैं दोबारा से आपको एक बार और कॉर्नर बना बता देती हूँ। तो यहाँ से भी हम दोबारा से इसको कट कर देंगे, और इसको हम लेस को वापसी से इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और जो हमारी चौड़ाई थी आपको पता ही है 2 इंच में 1 पॉइंट कम, और उसी तरह से हम इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से इसको सीधा करेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर मार्क करेंगे हम, ये देखिए इस तरह से यहाँ से, और इस कॉर्नर को हम इस तरह से मिला देंगे, और यहाँ से हम यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। थोड़ा सा इसको पक्का करते हुए चलेंगे, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे इस तरह से, फैब्रिक को थोड़ा सा बचा के इस तरह से, और इस तरह से अच्छे से कट कर देंगे। तो
देखिए हम अपने लास्ट कॉर्नर पे पहुंचने वाले हैं। ये देखिए यहाँ तक हम जो हमारी लेस है यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, लेस के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे। और इसको हम जो हमारा लास्ट कॉर्नर है इसको हम इस तरह से खोल लेंगे और यहाँ से हम पूरा हमारा जो लेस लगी हुई है यहाँ तक हम इसके सिलाई लगा देंगे। जो हमारी लेस है नीचे वाली उसके ऊपर नहीं चढ़ाना है, वहाँ तक हम इसकी सिलाई दे देंगे और उसके आधा इंच तक हम इसको कटिंग कर देंगे। ये देखिए यहाँ तक हम इसकी सिलाई करके इसको हटा देंगे। देखिए और यहाँ तक जितना ये हमारा है इसका आधा इंच तक हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे हम और इसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और अब इनको हम इस तरह से मिला देंगे। देखिए मैं दोबारा बता देती हूँ एक बार आपको। ये देखिए इस तरह से ये हमने लेस लगाई और इनको हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया और इसको इस तरह से फोल्ड किया और इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से और दोनों को हम इस तरह से सीधा करके और इस इन दोनों को इस तरह से कॉर्नर मिला देंगे हम इनके। ये देखिए और अब हम वहीं 2 इंच में 1 पॉइंट कम निशान लगाएंगे हम इसको इस तरह से। अगर आप चाहो तो इसको पिनअप भी कर सकते हैं। इसको हम इसी तरह से निशान लगा देंगे। इस यहाँ पर हमने आलपिन लगा दी है और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हम कॉर्नर तैयार हो जाएगा ये हमारा। इस पर थोड़ा सा मशीन चलने में थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि ये ज़्यादा मोटा हो गया है, थोड़ा सा केयरफुली आराम आराम से। यहाँ से इसको पक्का कर देंगे। ये देखिए हमारी आलपिन को हम हटा देंगे और जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे। और अब देखिए ये देखिए ये हमारा कितना ब्यूटीफुल सा कॉर्नर तैयार हो गया है। ये देखिए पता ही नहीं लग रहा, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग थी। ये देखिए ये थोड़ा सा यहाँ से मोटा मोटा हो गया तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सील देंगे और थोड़ा सा और फिनिशिंग दे देंगे। वैसे भी इसके थोड़ा सा ज़्यादा है ये, यहाँ से थोड़ा सा और फिनिशिंग दे देते हैं। तो देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था शुरू में हम वहीं से दोबारा से स्टार्ट कर देंगे इस कॉर्नर से यहाँ से और पूरे में हम इसी तरह से राउंड में इस तरह से पूरा सीधा सीधा लगा देंगे। ये देखिए चारों साइड से हमारा तैयार हो गया लेस और ये हमारा लास्ट कॉर्नर है। कॉर्नर के ऊपर सिलाई हम 2 सिलाई लगाएंगे इस तरह से। मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ क्योंकि कॉर्नर को हमें फिक्स करना बहुत ज़रूरी है इस तरह से। दो सिलाई लगाएंगे ताकि ये हमारा पक्का हो जाए और ताकि ये जमा रहे, नहीं तो ये थोड़ा सा हैवी है इस साइड से। ये देखिए ये हमारा दुपट्टा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए ये देखिए ये दुपट्टा हमारा रेडी हो गया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।